आई हॉस्पिटल की जांच टीम में शामिल हुए वरीय डॉक्टर मुजफ्फरपुर ने जांच टीम को एक सप्ताह का अल्टीमेटम, डीएम को सौंपनी है रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में आभूषण कारीगर को चाकू से गूंदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, बाइक से आए थे दोनों अपराधी। मुजफ्फरपुर के गंडक नदी से मिला शव, शव के शरीर पर मिला कुर्ता व गमछा, पहचान करने की कवायद जारी। सीतामढ़ी में सरकारी नौकरी के नाम पर 3 लाख की ठगी, कल्याण विभाग में कोऑर्डिनेटर के पद पर दिला रहा था जॉब, सीतामढ़ी पुलिस ने दबोचा। नालंदा का सोनू डॉन पब्लिक के हत्थे चढ़ा, दहशत फैलाने के उद्देश्य की हवाई फायरिंग, पुलिस ने एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस एवं एक खोखे के साथ गिरफ्तार किया। गिरिराज बोले पाक में लिखी गई हिजाब विवाद की स्क्रिप्ट, कहा गजवाई हिंद का ख्वाब देख रहे, एक बार टूटा तो भारत अब नहीं टूटने देंगे। बगहा में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, 50 लाख रुपए की संपत्ति जलकर आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। बिहार के उद्योगों को चाहिए 2 रुपए की छूट, कोरोना से बीमार उद्योग के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की मांग, बिजली दरों में मिले छूट। गया की ठंड के बीच बक्सर में छूटा पसीना, पछुआ हवा का दिख रहा प्रभाव, 5 दिन तक मौसम में नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव। मैट्रिक परीक्षा में एक दिन में धरा 114 नकलची, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में कर रहे थे नकल 4 कैंडिडेट, दूसरे की जगह दे रहे थे एग्जाम। जाति जनगणना पर नीतीश कुमार की नियत ठीक नहीं, तेजस्वी बोले विधानमंडल से पारित प्रस्ताव के सम्मान को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है। 3 CNG स्टेशन पर पूरे पटना का लोड 24 घंटे लगातार गैस भरने के बावजूद डिमांड पूरी नहीं होगी, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार। पिता लालू के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे तेज प्रताप, 21 फरवरी से निकलेगी यात्रा, झंडे पोस्टरों पर दिखा गया नया लोगो, लिखा है सजा नहीं साजिश। कोरोना काल में पटना प्रशासन ने वसूला 2 करोड़, लोग जान बचाने की कोशिश में जुटे थे, इधर टारगेट पूरा करने में लगा था प्रशासन। जम्मू में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, घर के बरामदे पर फंदे से लटका मिला युवक, 6 भाई से सबसे छोटा था। पटना का अपहृत स्वास्थ्य कर्मी हाजीपुर से बरामद, बीते शुक्रवार को अपहरण का केस दर्ज हुआ था, शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले। बहू की हत्या में पति और ससुर दोषी करार, मुजफ्फरपुर में एडीजे 9 के कोर्ट में दोनों को पाया दोषी, 26 को सुनाई जाएगी सजा। भोजपुर में लेट हुई तो दीवार कूद कर परीक्षा देने पहुंची छात्राएं, मैट्रिक एग्जाम में समय से 5 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिया, 150 परीक्षार्थियों का छूटा एग्जाम। मोतिहारी में बाइक नहीं मिली तो बारात नहीं आई, 50,000 कैश और बुलेट की थी डिमांड, दुल्हन करती रही इंतजार, दूल्हे के घर वाले फरार। जमुई में ट्रैक्टर ने मासूम को रंधा, माँ और दीदी सो रही थी, बच्ची सड़क पर निकल गई, तेज गति ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। बिहार में भीषण आग की चपेट में आए 3 घर, 1.5 लाख नगद एवं खाद्य सामग्री जलकर आग, पीड़ित ने कहा 28 पंचायत में एक भी दमकल नहीं। निरहुआ और आम्रपाली का नया होली सॉन्ग रिलीज, म्यूजिक वीडियो यूपी बिहार के होली ने मचाया धमाल, निरहुआ बोले जो भोजपुरी को गलत समझे उन्हें सुनना चाहिए। नालंदा में पिस्टल की नोक पर लूट, बांस की सीढ़ी लगा घर के पीछे से घुसे बदमाश, 2.5 लाख के जेवरात लेकर हुए फरार। दरभंगा में दिनदहाड़े गोलीबारी करने वाला बदमाश गिरफ्तार, एक खोखा सहित 2 अपराधी पकड़ाए, वर्चस्व के कारण की थी फायरिंग। पटना में LIC के रिटायर्ड अफसर के फ्लैट में चोरी, 20 दिन पहले ही पटना में फ्लैट लॉक कर गए थे दिल्ली, 4 लाख से अधिक की ज्वेलरी गायब। पटना में साइबर क्राइम करने वाले गैंग के एक्टिव मेंबर गिरफ्तार, 22 साल के शातिर के पास मिला 1 लाख कैश, 33 ATM, 9 पासबुक और 3 चेकबुक बरामद। शेखपुरा में कई दिनों के बाद 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, सक्रिय संक्रमित बढ़कर हुए 6 हफ्ते भर में 6,300 टेस्ट में मिले 23 पॉजिटिव। नालंदा में घर पर ईंट पत्थरों से हमला, बिहार शरीफ शहर में दलित के घर पर जमकर हुई रोड़ेबाजी, घटना से सन हो गया पूरा मोहल्ला। शेखपुरा में 7वीं कक्षा की दलित छात्रा का अपहरण, 70 फरवरी को घर से स्कूल के लिए निकली, शाम तक वापस नहीं लौटी, प्राथमिकी दर्ज। मोतिहारी में पेड़ से लटका मिला युवा का शव, 20 दिन पहले लव मैरिज किया था नेपाल में रह कर, करता था सिलाई का काम। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।